सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले की लगातार 40वें दिन सुनवाई जारी है। लंच के बाद अयोध्या मामले की सुनवाई फिर शुरू हो चुकी है। अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है, उनके पास 45 मिनट का वक्त है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि हिंदू महासभा जिस तरह के मामले को सामने रख रहा है उसे पेश करने में कई खामियां हैं और एससी ने वकील राजीव धवन ने कहा हिंदू पक्ष के पास मंदिर यात्रियों की किताबों के अलावा कोई और सबूत नहीं है। आज सुबह सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने साफ कर दिया कि आज शाम को 5 बजे मामले को खत्म किया जाएगा, इसकी सुनवाई को खत्म किया जाएगा, यानी अब इस मामले में 1.5 घंटे से भी कम ही सुनवाई बाकी है। सुनवाई के दौरान CJI काफी सख्त नजर आ रहे हैं। आज सुबह अपनी बात कहने के लिए समय मांग रहे अलग से अर्जी दाखिल करने वाले लोगों को इजाजत देने से कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम सुनवाई पूरी करके उठेंगे।